शेप्स एंड कलर्स बुक्स है इसमें, और ये एनिमल्स रबर वाले टाइप के हैं ये, और ये हैं फ्रूट्स वाला देख रहे थे टीवी में आप कैसे खेलता था फ्रूट्स वाला, इसमें ये सारे गिफ्ट्स आ गए पियो के। आज मंडे है और अभी 7 बज रहे हैं, तो मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ब्लॉग आज शाम पीयू को तो आपका देख ही, आप उसका बर्थडे है, उसको हमेशा रोज रोज बर्थडे बनाने का शौक है, तो उसके लिए कभी कभी केक लेके आते हैं, और वही आज बेलून भी लेके आए हैं, और बेलून के साथ वो केक काटी है देखे आपने। और ये देखिए कितना सारा सब्जी लेके आए हैं अभी वो, देखिए कितना सारा सब्जी। मैं उनको छोटे छोटे ऐसे बैग दे देती हूँ ताकि मुझे सब्जी चुनने में इजी लगे। ये नींबू लेके आए हैं, नींबू हम लोग रोज दोपहर को खाने के बाद ऐसे शरबत खाते हैं। और ये भिंडी है, भिंडी, नींबू, गाजर, अभी गाजर बहुत सस्ता मिल रहा है इसलिए गाजर, यहाँ तो 25 रुपये केजी चल रहा है गाजर, तो ये गाजर लेके आए हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए वो मेनली लेके आते हैं, उनको बहुत पसंद है, तो ये गाजर। और ये हम लोग झींगा बोलते हैं, ये लेके आए हैं। और ये काकड़ी या फिर खीरा, यहाँ पर काकड़ी बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो ये खीरा। और ये करेला, करेला तो मैंने इस बार बोला था कि लेके आना, क्योंकि ये सप्ताह इतना मीठा खाए संक्रांति में भी, ये में तो मीठा मीठा ही खाना हो रहा है, इसलिए करेला तो सप्ते में रहना चाहिए। और ये है पम्पकिन, और ये मेथी साग, मेथी साग अभी ठंडी में खाना चाहिए। इसका हाथ आ गया, पत्ता दो लो, पत्ता लो लो, ये मेथी साग। और सलाद के लिए हमारा ये बन जाएगा गाजर, काकड़ी, फिर बीट, बीट भी बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, तो इसलिए हम लोग बीट भी लेके आते हैं, मतलब अच्छा अच्छा बीट मिलता है अभी ठंडी के टाइम में, तो बहुत अच्छा मिलता है। तो ये सब काकड़ी हो गया, मेथी साग मेनली हम लोग पराठा ही खाते हैं, साग बहुत कम ही बना के खाते हैं, तो देखते हैं इसमें पराठा या फिर क्या बनाते हैं। और ये बीन्स, बीन्स भी अच्छा ही मिला है, बीन्स कितने करके है, 15 रुपया पाव बीन्स, और 10 रुपया पाव बोल रहे हैं। और मटर, अच्छा 1 किलो ले लिए हो क्या, 1 किलो मटर है, मटर अभी सारे सब्जी में डलता है ना, इसीलिए अभी मटर ले लिए हैं। तो आवाज तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा, आवाज हमारे घर के बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसीलिए। और ये है कैबेज, तो इतना सारा सब्जी हम सप्ताह भर का एक ही साथ ले लेते हैं, रोज रोज जाना अच्छा भी नहीं है मार्केट, तो इसीलिए सब एक साथ ले लिए हैं। अच्छा थी, ज्यादा डैंड्रफ हो चुका है, तो इसकी वजह से मैंने बाल काट दिए, ठीक है। हाँ दाल, दाल देखिए, दाल देखिए, बोलिए दाल, 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 आप दाल रोटी खाएंगे, नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, क्या खाएंगे पता, मम पीना है ना, ठीक है रुको चलो मम देते हैं। अगर आपको डिनर में कुछ सोच नहीं रहा है कि डिनर में क्या बनाया, सब्जी दिन का बचा हो, रोटी बचा हो, तो कतरा बना सकते हैं, कतरा मेरी सास बनाती है, तो कतरा हो बेसिकली सत्तू का बनता है। चलो चम्मच से क्या खाने वाले हैं, देखिए बैठ गई है किचन में बनवान, चलते हैं इसको अभी पानी पिला देते हैं, रुको आपका फ्लास्क में गर्म पानी है ना, आपके भोजन से पेन नहीं क्या, इससे पेन नहीं, इसमें आप पिएंगे, इससे पिएंगे, तो किससे पिएंगे आप,
हमारे साथ हो चुके हैं और मैं अभी खाना बना रही हूँ पीयू के लिए। पीयू का आज दलिया बनने वाला है, तो वही दलिया मैं नमक हल्दी और पानी देके बनाती हूँ, तो उसे अच्छे से पका लेते हैं। पीयू को खाना मैं जनरली 8 से 8:30 से स्टार्ट कर देती हूँ उसको खाना खिलाने, क्योंकि आपको तो पता ही है उसको खाना खिलाने में मुझे बहुत टाइम लगता है। भी बस आटा ही गूंदना है क्योंकि रोटी ही बस बनाना है, क्योंकि सब्जी दाल तो है ही दिन का। बेसिकली हम लोग को 6 रोटी ही खाना पड़ता है, 6 रोटी ही काफ़ी होती है 3-3 करके खाते हैं। किसी दिन अगर पीयू को दाल रोटी दूध रोटी खाना होता है तो फिर 1 रोटी एक्स्ट्रा बनाते हैं, बट 6 रोटी हमेशा। चलिए तो मैं आपके साथ कतरा बनाने की रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम सत्तू ले लेंगे 2 जन के हिसाब से। तो सत्तू मैंने यहाँ पर 5 से 6 चम्मच लिया है, उसमें मैं नमक डाल रही हूँ, नमक आप स्वाद अनुसार ले। साथ में छोटे छोटे एकदम मिर्ची को काटना है, एकदम बारीक काटना है, तो उसमें मिर्ची डाल देंगे तीखे के लिए। और आधा कटा हुआ मैंने नींबू रखा है, और प्याज को भी एकदम बारीक काट लेंगे एकदम। धनिया पत्ता को भी बारीक छोटे छोटे काट लें, जितना बारीक कर पाए अच्छा रहेगा। इन सारे कटे हुए चीज़ को सत्तू में डाल दे रही हूँ, धनिया पत्ता प्याज, और उसके बाद इसमें मैं नींबू निचोड़ के डाल दूँगी। और यहाँ मैं सरसों तेल डाल रही हूँ। सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आम का अचार का तेल जो होता है ना, खट्टा वाली, और मसाले भी रहते हैं उसमें, तो वो अगर घर पे हो तो उसे ज़रूर डालें। सरसों तेल से भी वो स्वाद आएगा, बट वो डालने से और ज़्यादा अच्छा टेस्टी आता है। तो उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मुझे सत्तू को एकदम सूखे सूखे नहीं रखना है, इसमें मुझे अब पानी मिलाना है, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाऊंगी। और इसका जो कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होगा कि ये जब मैं इसको मिक्स करने के बाद ये आपस में चिपके, देखिए कुछ इस तरह से ये दिखेगा। अगर आपको ये बहुत और ड्राई लगे ना, तो आप थोड़ा और इसमें पानी मिला के इसको थोड़ा सा मिक्स करके अच्छे से कर सकते हैं। के करीब ही पानी आ जाता है हमारा, देखिए 2 कल है, 1 कल में इस टाइम पे पानी आता है पीने का पानी, तो ये पीने का पानी मैं स्टोर करके रखती हूँ और इसको ही खाना बनाने में यूज़ करती हूँ। और पीने के लिए तो एक्वागार्ड का पानी रहता ही है, तो इसीलिए ये बोतल एंड 2 बर्तन में ये पीने का पानी जो आता है उसे मैं लेके रख लेती हूँ, क्योंकि ये पानी थोड़ा बहुत ही साफ रहता है, डायरेक्ट आती है। पीयू का खाना बन चुका है, मैं इसे अब देके आती हूँ गौतम को, वही अभी उसे खिलाएंगे, क्योंकि तब तक मैं रोटी बना लूँगी, रोटी बनाने के बाद मैं उसको खिला दूँगी। तो वो अभी टीवी भी देख रही है, तो उसे खिलाने में गौतम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं पीयू का खाना कहाँ तक हुआ है। पीयू ऑलमोस्ट खाना फिनिश कर ली है, और टीवी तो देख ही रही है, इसीलिए इसका खाना तो जल्दी जल्दी ही फिनिश हो जाएगा। और ऐसे भी दलिया है, तो दलिया थोड़ा वो जल्दी ही फिनिश कर लेती है, तो मैं तब तक खाना गर्म कर लेती। खाना सारा गर्म कर ली हूँ, अब इसे परोस लेती हूँ प्लेट में। तो हमारा डिनर प्लेट सच के तैयार है। ये देखिए, ये कतरा है, ये दाल है, ये गोभी की सब्जी है, और रोटी है। के साथ रोटी बहुत ही मस्त लग रही है, आप भी जरूर ट्राई कीजिए। ये देखिए मेरे भुलक्कड़ के निशानी, मैंने सिपर का बोतल का जो अंदर का रबड़ होता है वो मैंने दूध के बोतल में डाल दिया है, और मैं उसे हर जगह ढूंढ रही हूँ, जिसे हर जगह ढूंढ रही हूँ वो मुझे दूध के बोतल में मिला।
तो ऐसे ही काम करती रहती हूँ, उल्टी फुल्टी इसका उसमें लगा देती हूँ और चारों तरफ ढूंढने लगती हूँ, मिल नहीं रहा है। पूछ रही थी कहाँ गया कहाँ, काफी ठीक से नहीं पा रही थी, सोच ही जा रही थी कहाँ गया। मेथी का साग लेके आए हैं, तो मेथी का साग का ऑलमोस्ट हम लोग ज़्यादातर ही सब्जी नहीं करते हैं, इसको वही पराठा ही करते हैं, इसीलिए इसको अभी चुन के रख लेती हूँ क्योंकि सुबह तो उतना टाइम मिलेगा नहीं, तो इसीलिए मेथी का साग को हम दोनों मिलके चुन रहे हैं, मैं और मेरी बेटी। देखिए वो भी मेरी मदद कर रही है, तो थोड़ी बहुत बदमाशी तो करेगी, तो साथ में बैठ गई है, वो भी थोड़ा देख रही है कैसे कर रही है। देखिए हम लोग वही खाना खा के थोड़ा बैठना भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। आधा साग बाँचना हुआ था और मैं अभी गौतम को दे के आई हूँ बाँचने के लिए, और अभी मैं किचन में आ गई हूँ काजू किशमिश को भिगोने के लिए। तीनों के लिए काजू किशमिश भिगोते हैं और सुबह को हम लोग उसे खाते हैं। इनको थोड़ा हल्का गर्म पानी में धो लेती हूँ और उसके बाद इसमें फ्रेश पानी डालती हूँ ताकि ये पानी फिर हम सुबह खा सकें, तो इसीलिए थोड़ा अच्छे से धो के उसके बाद इसमें फ्रेश पानी डालती हूँ। अभी मैं पानी गर्म कर रही हूँ पीने के लिए और थोड़ा फ्लक्स में भी रखती हूँ, हम लोग थोड़ा हल्का गर्म पानी ही पीते हैं, और दूध भी गर्म कर ले रही हूँ क्योंकि रात को ही गौतम दूध पीता है, तो इसीलिए उसके लिए दूध गर्म कर दे रही हूँ। साग चुनना हो चुका है, फिल्टर से भी पानी जो था वो भर ले रही हूँ और फिल्टर में फूल करके पानी स्टोर करके रख लूंगी। अभी हम तीनों मिलके चमनप्रस खा रहे हैं। दस बज गए हैं और मैं अभी पियू को तेल मालिश कर रही हूँ। तेल मालिश मैं जनरली दो टाइम करती हूँ, दो टाइम, एक सुबह नहाने से पहले और एक रात को सोने से पहले। तेल मालिश बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसीलिए करना भी चाहिए और इससे उनकी थकावट भी दूर होती है और रात को अच्छे से नींद भी आएगी। तो तेल मालिश होने के बाद मैं जनरली वाइप्स कर देती हूँ या गर्म पानी कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो अभी ठंडी का हल्का मौसम है इसीलिए मैं इसे वाइप से कर दूंगी। सोने के लिए आ गए हैं और 10:20 हो चुका है और यहीं तक मैं ब्लॉग खत्म कर। नाइट स्वीट ड्रीम, गिर जाओगे आप, उधर हो जाओ। यस बोले, आप सब भी सो जाइए, अपना ख्याल रखिए, बोलो ख्याल रखिए, गुड नाइट, बाय, एंड किसे दे दो, अरे बाबा, आप सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, थैंक यू।